कई बार व्यक्ति यह बोलते हैं कि महाराज श्री लक्ष्मी जी को घर में कैसे रोक के रखा जाए कि लक्ष्मी जी की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हम देखें, पहले तो आप ये देखें, लक्ष्मी जी की कृपा आप चाहते हैं कि लक्ष्मी कृपा आप पर बरसती रहे, तो उसके लिए आपको पहली बात तो ये है कि आप ये देखें कि जो भी आप पैसा बाज़ार से लाते हैं या कहीं से भी लाते हैं, उस पैसे को जो हाँ आप रखते हैं वो तिजोरी हो सकती है, लॉकर हो सकता है, या जो भी अलमारी हो सकती है, वह अलमारी कहाँ रखी आपने। तो अपन देखेंगे उस अलमारी को सबसे अच्छी दिशा कौन सी है, तो अपन देखेंगे वह होती है पश्चिम और दक्षिण के रखें, या तो पश्चिम में रख लें या फिर दक्षिण में रखें, बस उसका मुख जो है वो उत्तर दिशा की ओर खुलना चाहिए। मान लो ये चार दिशा होती हैं, सामने मान लो उत्तर है, पीछे मान लो दक्षिण है, और ये पूर्व है, ये पश्चिम है, तो अपन देखेंगे कि उत्तर सामने है तो ये दक्षिण हो गई। तो दक्षिण दिशा में आप जब अलमारी रखेंगे जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, तो उसका मुख कहाँ खुलेगा, ऐसा खुलेगा, तो सामने उत्तर दिशा अलमारी के सामने होना चाहिए, क्योंकि सामने कुबेर की दिशा है और कुबेर से पैसा आता है, तो अलमारी खुली होगी तभी तो पैसा अंदर आएगा, है ना। तो चाहे यहाँ रखो और चाहे पश्चिम में रखो, पश्चिम में भी रखोगे तो उसका मुख उत्तर की ओर होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखें। तो पश्चिम और दक्षिण में जब हम अपनी अलमारी या गोदरेज या जो भी चीज़ है, और उसमें हमें जहाँ भी पैसा रखते हैं वहाँ एक लाल कपड़ा बिछा करके जरूर रखें, और उस लाल कपड़े के नीचे आपको एक स्वस्तिक भी बनाना है केसर से, और उस पर लाल कपड़ा, और लाल कपड़े के ऊपर आप पैसा रखते जाएं, और ऊपर से एक सफ़ेद कपड़ा जरूर ढाक के रखें, क्योंकि पैसा कभी भी खुला हुआ नहीं रखा होना चाहिए, और उस पैसे को रोज़ नहीं गिनना है, पैसा रोज़ नहीं गिनना चाहिए, है ना, क्योंकि गिनने से लक्ष्मी सीमित हो जाती है, इस बात का भी ध्यान रखें। तो इसलिए पैसा को रखते जाएं और निकालते जाएं, तिजोरी की चाबी आप अपने पास सुरक्षित रखें, इस बात का ध्यान रखें, ना तो आप देखेंगे लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती रहेगी और आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो ऑल द बेस्ट, हैप्पी दिवाली।